नहीं करना चाहता हूँ, नहीं जान बुझ कर अपने जान नहीं गमूंगा मैं। मेरा कहना तुम मान जाओ, किसी को कहना नहीं मानूंगा मामा। हे मेला, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझसे खाना नहीं बनाना अच्छा लगती है। और सुंदर दुल्हन राजमहल में चलाएगी तो सुंदर से खाना बना के मुझे भी देगी और तुम्हें भी खिलाएगा। मेरे भाव, अगर मैं जिंदा बचूंगा तब न कोई नहीं, मेरा आशीर्वाद रहेगा तो इस दुनिया में कोई नहीं बाल बाका कर सकता है। माँ पिता का आशीर्वाद रहता है तो उस दूल्हा को इस दुनिया में कोई नहीं बिगाड़ सकता है। खुशी मनाओ दुल्हा, कर दो लाल मेरे यार,
मेरे नाम इतना बड़ा हो गया है, अगर शादी नहीं करोगे तो मैं अपनी बहू को कब देखूंगी। मेरी माँ ठीक है, मैं उधर से बात करता हूँ। ठीक है भाई, उधर कोई दूसरा किला में शादी कर दो, उसी को नाम सोना रख देंगे। नहीं भैया, मैं नए नाम में शादी नहीं कर सकता। नहीं भैया, शादी होगा, मैं नहीं करूंगा शादी। उधर भैया जी ये समस्या उदल अपना प्राण का नहीं चिंता है, हम मोहबे में सारा काट देवो माँ जगदम्मा के। भागव नंदन, मारने पिटने से काम नहीं होगा, उल्टा पादी का यहाँ पर दो चढ़ा क्यों नहीं, फिर खरखरिया पर लाद करके ले जाएंगे भैया को। कैसे समझाओगे शादी करेगा भैया कि नहीं? तुम्हारा जो उधर, मैं तो जानता हूं कि मैं ना जाऊंगा तो मैं लौट के कभी ना। ठीक है मेरे, मैं सखी सहेली को बुलाती हूँ, सुंदर दूल्हा बना के राज महल से जरूर प्रस्थान करूंगी। आओ आओ सखी आए मोहरा का शादी है, सुंदर से सजा दो, मन से आशीष दे दो। क्यों नहीं, क्योंकि राज मोहब्बत से सुंदर दूल्हा बन के जाएगा, कहा तो राजी नहीं ना। क्यों नहीं, हम लोग अभी सजा देते, मन से सजा दो। हे मेरे लाल, जरूर तुम रहना, अपनी भाई को साथ कभी नहीं छोड़ना। मेरे देवा पंडित को मां पहना, उससे प्रेम ज्यादा है उससे। क्या देवा पंडित का? ठीक है, तुम्हारा दोस्त
लोकनिया बनेगा तो ठीक है, मैं उन्हें भी सजा देती हूँ सुंदर दूल्हा। मोहन के तलस्ती बेचते ये बात तो और बढ़िया सब आदमी का बिया है तो सब छोड़ी सब देखे छी सब का बिया है तो हमरो तो कोई माला पहना दे दिए हमरो बिया है लगे हमरो सब तो बिया कर ले ससुरारिया जन्ना भैया धीरे धीरे ससुरारिया जन्ना भैया धीरे धीरे के रख दिया है जल्दी बराती शादी शायद बराती नगर मोहब्बत से भैया मलखान सिंह पांजा नाराज तनौजा लाखन शर्त लेकर चलो नैना में धरती को बाहर जाए तरबत्तर लोहे का बुद्धि का कमर कटार चखनी भल्ला मार मार का मुल्तानी प्रेम
लौट कर नहीं आया है, मैं इंतजार कर रहा हूँ, देखता है जो ब्राह्मण आता है कि नहीं। जय के खबरिया सुने भई अपन महाराज के, तिलक नहीं थामेगा। बाभन बोलिए महाराज, तुमको तो पहले समझाया, ये कामरो किला में 50 किलो लेकर तिलक पहुंचाना, फिर राज महोबा क्यों चला गया तू? नहीं महाराज, मैं महोबा नहीं गया हूँ, मैं दूसरे किला जा रहा था बनबबरी में। उदय चंद महाराज ने हमको घेर के तिलक को जबरदस्ती को छीन लिया। Yeah.
बड़े भैया गया है कहाँ? शिव बाबा को मंदिर में पूजा करने के लिए। जी महाराज, तब तक हम दोनों यहाँ बैठकर इंतजार करो, भैया का समय हो गया है आने वाला। ठीक है महाराज। राम को हाथी, राम वनवास को जाएगा, पंच
कटवाएगा लखन से। कौन है? वही गोसा में सीता को हरण करके ले जाएगा लंका। राम को हाथ तेरा मुक्ति होगा, लंका में भीषण को गादी होगा। वैसे मेरा हस्त रेखा में लिखा है कि बहन वो अल्लाह को साथ में शादी करेगा, मेरा सर को बहन काटेगा। साला उसलिए मैंने कहा था वो पाजी अल्लाह को साथ शादी नहीं होगा। महाराज मैंने बहुत समझाया उदल, तुम शादी करोगे तो मैं तिलक चढ़ाऊंगा, अगर तुम नहीं करेंगे तो मैं तिलक नहीं दूंगा। बोला मेरा भाई करेगा, बारह भाई है अल्लाह वो करेगा। जो ने अत्याचार कर दिया हे बहिनी के संभाली के रखी है, हे लहरा खिला नैना में क्या रहे बिचारी, हे पढ़ने लिखने में नजर को रखना, मंदिर पूजा करना, मंदिर जाना मना है, सोना को लाकर समझाना क्या कम है। और
क्या रहे भैया जी? हेटी पट्टी सही से लगभी है, क्या रहे भैया? सही से नजरी बहनी सोना परखी है, क्या रहे भैया? कहीं पगड़ी न गिरा दे ऐ किला नैना दे, ऐसा किला भी नहीं होगा भैया जी। सहेली है सभी उसका साथ में लगा देना, मालिन फूल ला कर देगा बहन सोना का, अंदर में मंदिर को मैं बनवाऊंगा, क्यों नहीं वही जाकर पूजा को करेगा। अगर बात को नहीं माना तो सीधे अपना बड़े भैया को खबर करना, क्यों नहीं भैया जी? अगर आज्ञा उल्हना होगा बाजी परे Let's go!
गुस्सा में है, बहुत गुस्सा में है भैया जी। जब कोई गड़बड़ हो जाएगा भाई, जानो भाई का प्रेम है, घर जैसे भोग चढ़ाता है बकरी पठरू के, वैसे नहीं जा सकता है भैया, यदि ऐसा नहीं किया छतरी ग्रहणमा भैया लगेगा, भैया जी चंद्र ग्रहणमा भैया चंद्र में लगेगा, सूर्य ग्रहणमा लगेगा आकाश, छतरी ग्रहणमा लगा तब क्या नहीं।
मुझको समझा देना। आपका दास आज्ञा होगा भैया जी। क्यों नहीं, मैं पालन करूंगा। मिलन आज्ञा को देते रहिए। अरे जहाँ बैठा है मेरा बहन सोना, महल में बैठा है महाराज, क्या उसको बुला कर ले आओ। जैसे आज्ञा महाराज। क्यों नहीं, भैया जी बोलो। शरा बहन को आने दो, उसे कह देना है बैठे रहेंगे अपना किला में। क्यों नहीं, भैया ने बोला है उसको महल में एक मंदिर बना देंगे भोला बाबा को। क्यों नहीं, पूजा करना है अपना भवन में पूजा करेंगे। मानने लोग है उन्हें कह देना है फूल जैसे चाहिए वैसे फूल ला करके बहन सोना को देंगे, बहन पूजा करेंगे। अरे छोटे भैया जी, जब पूजा करना है मेरे बहन का तो अंदर में करो। क्या है भैया, बाहर नहीं जाना देना है। क्या है भैया, कैसे आपको आज्ञा भैया जी। महाराज की जय हो। महाराज एक बहुत बुरी खबर है। हाँ बोलो। बहन सोना कॉलेज से नहीं आई है अभी तक। गेट से? जी हाँ, नहीं आई है कॉलेज से। अरे छोटे भैया जी, सोना पढ़ने के लिए गया। क्या नहीं, अभी तक क्या होता है मिलन नहीं आया है। भैया बोलो, कॉलेज से नहीं आया है। नहीं, क्या ठीक है, नहीं आया है तो कॉलेज में जा करके देखेंगे। क्यों नहीं, आप एक रास्ता जाइए, मैं जाता हूँ, चलो। ठीक है, किला में घूमेंगे, देखेंगे कहाँ है। जब बहन आएगी उसे बातें करके समझा दूंगा भैया जी। क्यों नहीं, चलो चलो।
सोना पूजा से प्रसन्न है देवी तो दर्शन दे माँ, अगर सोना की दर्शन न किया माँ सोना मर जाए तो भला जिगार पसंद हो आज तुम्हारे महल में आ गई हो आके खोलो तुम्हारे महल में खड़ी हो मुझसे भर मांगो क्या तुम्हें कमी है जरूरी
कुशल है, क्या घट गए है अर्धन सोना, और क्या तुम्हें कमी हुई है जो आज अपनी माँ को याद किया है। राज नहीं नामे हे माँ दुर्गा बोलो है नहीं घट गले मैया गए लक्ष्मी ना घट गलो देवी पाल बीरा पान। क्या कुछ नहीं कमी है ना माता हमरा ज्वारा लगा दे पुरिया। शादी लायक हो गई है क्यों नहीं माता हमसे छोट छोट का कोरा में संतान खेल रही है माँ। क्या मुझे लिलसा नहीं आ रही है माता? कभी नहीं, यह लिलसा तुम्हें पूरी नहीं हो सकता है जानती हो। बोलो माँ कि राज नहीं नामे सबसे वीर कौन है? सबसे वीर भैया सुमामल इनारवन। हाँ माता, उनका प्रतिज्ञा क्या है तुम जानती हो? हाँ माता, जो अमर थे कितना भी शादी साथ है और युद्ध करता है सारे छत्री को मार देता है, लेकिन एक ढोल बजाता है तो पूरे उनका सेनाशाही तैयार हो जाता है। क्या माता, अगर ऐसी बात है माँ तो ये सेना बुढ़िया बन के रहेगी किला नैना में? नहीं, इसे तुम्हें ढोंग रचना पड़ेगा। उसे वरदान है इस दुनिया में कोई माँ का लाल नहीं मार सकती है। हे बेटी, मारेगा वही जो नारी नारी के हाथों में बदलता है। जब तुम अपनी शादी रचाना चाहती हो तो तुम्हें केगा उठाना पड़ेगा। क्या तुम बोलो यह शर्त मंजूर है कि या नहीं? केगा उठाना पड़ेगी माँ।